की परीक्षा के दौरान हंगामा देखने को मिला है। अजमेर रोड स्थित आर्या कॉलेज में हंगामा हो गया है। कमर्शियल असिस्टेंट परीक्षा में नकल का आरोप लगा है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र में नहीं मिली प्रवेश की अनुमति, दो शिक्षकों पर दूसरे अभ्यर्थियों को नकल कराने का आरोप लगाया है। शिक्षकों के पास मोबाइल ब्लूटूथ होने की भी शिकायत दर्ज कराई है। अभ्यर्थियों ने एग्जाम सेंटर के बाहर धरना दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। JVVN परीक्षा के दौरान यह हंगामा देखने को मिला, कमर्शियल असिस्टेंट परीक्षा में यह हंगामा देखने को मिला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि शिक्षकों पर भी आरोप यहां पर लगाया गया है। नकल कराने का आरोप अभ्यर्थियों ने शिक्षकों पर लगाया है। शिक्षकों के पास मोबाइल ब्लूटूथ होने की भी शिकायत दी है और अभ्यर्थियों ने एग्जाम सेंटर के बाहर धरना दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ललित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता ललित, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल आयुषी, आपको बता दें कि विद्युत विभाग की कमर्शियल असिस्टेंट परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा था। आर्या कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया था और परीक्षा केंद्र के दौरान कुछ अभ्यर्थी जो बाहर मौजूद थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा केंद्र में दो शिक्षकों के द्वारा कुछ अभ्यर्थियों को नकल करवाई जा रही है। इसके साथ ही मोबाइल और ब्लूटूथ की शिकायत भी इन अभ्यर्थियों द्वारा की गई है, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने जो कॉलेज है उसके मुख्य गेट पर धरना दे दिया। इस दौरान कॉलेज प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन को बुलाया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंच के पूरी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो अभ्यर्थी थे जो नकल के मामले में लिप्त हैं, वह पहले ही परीक्षा केंद्र में पहुंच चुके थे, कि यानी कि समय से पहले ही उनको अंदर ले लिया गया था, उसके बाद उनको नकल करवाई जा रही थी। जब दूसरे अभ्यर्थी अंदर पहुंचे तो वह पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने वहां हंगामा कर दिया और अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले की जांच में जुट चुकी है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद ललित तमाम जानकारी देने के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दो शिक्षकों पर अभ्यर्थियों की तरफ से आरोप लगाया गया है और मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। धड्डा जो अभ्यर्थी वहां मौजूद थे उनकी तरफ से किया जा रहा है। साफ तौर पर शिक्षकों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि नकल उनकी तरफ से दूसरे अभ्यर्थियों को करवाई जा रही थी। शिक्षकों के पास ब्लूटूथ भी मौजूद है, साथ ही साथ मोबाइल भी मौजूद है।